ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय के बाहर 25 अप्रैल से चल रहा धरना पुलिस ने खत्म करा दिया। पुलिस ने 33 किसानों को गिरफ्तार कर लिया। किसानों को सूरजपुर स्थित पुलिस लाइन में भेज दिया गया। इसकी सूचना किसान संगठनों को मिली तो सैकड़ों ग्रामीण पुलिस लाइन पर पहुंच गए। पुलिस ने बल इस्तेमाल कर ग्रामीणों को खदेड़ दिया। ग्रेटर नोएडा की दो महत्वाकांक्षी परियोजनाओं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का रास्ता साफ हो गया है। इन दोनों परियोजनाओं के लिए चार गांवों की 44 हेक्टेयर जमीन पर परिसंपत्तियों की कीमत अदा करने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण तैयार हो गया है। जिले निवासियों के रुके 17,000 से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस उनके घर पहुंच गए हैं। परिवहन विभाग के अनुसार इसके बाद भी यदि किसी आवेदक को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिला तो वे सेक्टर 32 स्थित कार्यालय में संपर्क कर सकता है। बिजली उपभोक्ताओं को बिजली कटौती से राहत नहीं मिल रही है। सोमवार देर रात आई आंधी बारिश की वजह से उपभोक्ताओं को 3 से 4 घंटे तक बिजली कटौती झेलनी पड़ी। मंगलवार दिन भर निगम कर्मी फॉल्ट को दुरुस्त करने में जुटे रहे, इससे उपभोक्ताओं को बिजली कटौती का सामना करना पड़ा। बिल्डर सोसाइटी में रहने वाले उपभोक्ताओं ने विद्युत निगम द्वारा लगाए गए प्रीपेड मीटर से अधिक शुल्क कटने का आरोप लगाया है। उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि मीटर कंपनी द्वारा प्रति रिचार्ज करने पर ₹11.80 अतिरिक्त काट रही है। उपभोक्ताओं ने मीटर कंपनी पर अधिक शुल्क वसूलने का आरोप लगाया है।